हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। एंड इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ब्रायनी एल्बा विद यू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि एलन स्कीनो की बी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ चल रही है, तो वो बी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ जो है वो आज पूरी होने वाली है। और अगर आपको ए अल्फ़ाबेट की मेडिसिन देखनी है, बी अल्फ़ाबेट की पहले की मेडिसिन देखनी है ब्रायनिया से पहले की, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे ब्रायनिया डिस्कस करूँगी। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से एलन स्कीनो समझ में आ रही होगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है और किस ऑर्गन पे ज़्यादा अच्छा एक्शन है, क्या की नोट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दवाइयों के। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो आज जो है हमारी बी अल्फ़ाबेट की मेडिसिन कंप्लीट होने वाली है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रायनिया एल्बा जो है, सबको पता है कि रूमेटिज़म, गाउट, इसकी बहुत अच्छी दवाई है। जिनको घुटनों में दर्द रहता है, मतलब जो जॉइंट पेन है जो रहते हैं, उनकी बहुत अच्छी दवाई है। एवरी वन नोज दिस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस इज़ ऑल कंप्लेंट्स आर वर्स फ्रॉम मोशन, कि मरीज़ जरा सा भी चलेगा तो मोशन से उसको दिक्कत है। जैसे कि हम आरटी में देखते हैं, रेस्टॉक्स में और ब्रायनिया, जो दो ये दवाइयाँ हैं, ये बहुत ही, मतलब हर बच्चे को पता है इसके एग्रवेशंस और एम्लेरेशंस की। सारी कंप्लेंट्स एग्रवेट होती हैं मोशन से, वो ब्रायनिया है। मोशन से आराम मिलता है तो वो रेस्टॉक्स है, ये बात सबको पता है। ओके, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ बातें हैं जो ब्रायनिया की आपको पता होनी चाहिए। और वो बात ये है कि इसका एलिमेंट्स आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। मैंने हमेशा आपको बताया है कि एलिमेंट्स आपको हर दवाई के पता होने चाहिए। एलिमेंट्स होता है कंप्लेंट्स फ्रॉम, कि कुछ ऐसी बात होती है पहले जिसकी वजह से वो मरीज़ किसी भी दवाई का बन जाता है। ठीक है, मतलब एक हेल्दी इंसान है, उसके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद वो किसी दवाई का पेशेंट बन जाता है। ठीक है, तो वो आपको एलिमेंट्स से पता चलता है। अब यहाँ पे आप देखो ब्रायनिया के एलिमेंट्स हैं चैग्रीन, मॉर्टिफिकेशन, एंगर, वायलेंस विथ चिलीनेस एंड कोल्डनेस, आफ्टर एंगर चिली बट विद हेड हॉट एंड फेस रेड। सो चैग्रीन का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट, किसी बात को लेकर आप निराश हुए, ठीक है, डिसअपॉइंट हुए। उसके बाद आने वाली कंप्लेंट्स, उसमें ब्रायनिया अच्छा काम करती है। अब ये ही नहीं है कि सिर्फ ये एक इकलौती ऐसी दवाई है जो डिसअपॉइंटमेंट के बाद आने वाली कंप्लेंट्स में काम करती है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो डिसअपॉइंटमेंट के बाद काम करती है। ओके, एंगर, गुस्सा आया, ठीक है। अब जैसे गुस्सा आने पर आप देखोगे कि कोलोसिंथ है, कोलोसिंथ में गुस्सा आता है, उसके बाद अगर शियाटिक पेन हो रहा है, बहुत सी फीमेल्स ये कंप्लेंट करती हैं कि मैं एकदम से गुस्सा हुई थी, ठीक है, और मतलब कुछ ऐसा घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद मेरे को बहुत तेज़ गुस्सा आया, उसके बाद मेरे जो लेफ़्ट पैर है, ठीक है, उसमें बहुत दर्द हो रहा है, नस में बहुत दर्द हो रहा है, और मतलब वो शियाटिक पेन है। आप देखोगे तब तो वो शियाटिक पेन है। तो कॉजेशन क्या हुआ शियाटिक पेन का? कॉजेशन इज सिंपली द एंगर, एंगर के बाद कंप्लेंट आई। दैट्स हाउ यू हैव टू कोरिलेट द एलिमेंट्स विद द क्लिनिकल कंडीशंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। बहुत सारे लोग इसी को ही इग्नोर करके चलते हैं। जितना इम्पॉर्टेंट किसी दवाई में एग्रवेशन एम्लारेशन होता है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स आर द वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है या फिर आप देखो कि बॉडीली अफेक्शन है, वो इस तरीके के हो जाते हैं, आपका दिमाग इस तरीके का हो जाता है कि वो सेंसिटिव हो जाता है उस टाइम पे, और वो कैप्चर कर लेता है बीमारियों को। ऐसे ही बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी भी बीमारियों को कैप्चर कर लेती है, ठीक है। तो वो कैप्चर करने की कंडीशंस क्या क्या हैं, वो एलिमेंट्स से हमें पता चलता है, ठीक है। अब वायलेंस, इंसान वायलेंट हुआ, गुस्सा आया, उसके बाद की कंप्लेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपको इसके फिज़िकल जनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पता होने चाहिए, दैट इज़ कंप्लेंट्स, कि कब कंप्लेंट्स आएंगी,
जब गर्मियाँ आती ही है, वार्म वेदर सेट इन होता है, गर्मियाँ आती ही है, सर्दियों के बाद जो गर्मी का मौसम आता है एकदम से, जिसमें क्या होता है कि आप देखोगे दिन तो गर्म होता है, ठीक है, डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड, कि दिन तो गर्म है और जो रात है वो ठंडी होती है, तब ब्राइनिया जो है वो अच्छा काम करती है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स और आइस इन हॉट वेदर। बहुत से लोग होते हैं जो गर्मियों के टाइम पर क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ठंडा पानी, आइस कोल्ड वाटर, ऐसा पानी लेते हैं, उसके बाद जो कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे गला ख़राब हो गया, बहुत कॉमन सी कंप्लेंट है कि मैंने क्या किया था, फ्रिज का पानी पी लिया था, बहुत ठंडा पानी पी लिया था, या फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, उसके बाद से गला ख़राब हो गया, ठीक है। आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट इन द समर, दिस इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि ठंडा ले लिया कुछ, ठीक है, आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट इन समर, कि कुछ आपकी बॉडी गर्म थी। जैसे बैलिस पी हम देखें तो बैलिस पी में क्या होता है कि जो लेबर्स हैं, ठीक है, जो जिनका काम है बहुत ही पसीनों में, मतलब जो सुबह से शाम तक लेबरिंग वर्क करते हैं, भारी काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है उनके पसीने आ रहे होते हैं और उसमें वो पानी वानी पी लेते हैं, तो हाँ जो डीप टिश्यूज़ पेन होता है, ठीक है, और जो कंप्लेंट्स आती है उसमें बेलिस भी अच्छा काम करती है, तो ब्राइनिया भी उसमें अच्छा काम करती है, कि आपने एकदम से अपनी बॉडी को जब वो ओवर हीट थी, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हो ओवर हीटेड, कि जब बॉडी ओवर हीटेड थी उस समय आपने जो है पानी पी लिया, ठंडा ठंडा पानी पी लिया, या फिर ठंडे पानी से मुंह धो लिया, हाथ पैर धो लिए ठंडे पानी से, यानी कि आपने एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी बॉडी में कि आपकी बॉडी बहुत वायलेंट हीट बना रही थी उस समय और आपने उसको एकदम से ठंडा कर दिया, ठीक है, पसीने आ रहे थे, आपने एकदम से चादर उगाड़ दी, उसके बाद से क्या हुआ आपके बुखार हो गया, तो उन कंडीशन में ब्राइनिया अच्छा काम करती है, या फिर एकदम से ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर में आप एक्सपोज्ड हो गए तब ब्राइनिया अच्छा काम करती है, ठीक है। अब आपको पेन पता होना चाहिए किस तरीके का पेन होता है, और पेन के जो एम्ब्लायरेशन एग्रवेशन हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पेन आर स्टिचिंग टियरिंग वर्स एट नाइट, ब्राइनिया के पेन जो हैं वो रात को वर्स हो जाते हैं, ठीक है। एग्रोवेटेड माई मोशन, मोशन से दिक्कत है, ऑल कंप्लेंट्स आर वर्स फ्रॉम मोशन, सांस लेने में दिक्कत है, खांसने में दिक्कत है, आराम मिलेगा जब मरीज़ बिल्कुल काम धाम सब छोड़ के चुपचाप बैठ जाएगा। एक स्टेज ऐसी आती है फीवर में कि जिसमें मरीज़ बिल्कुल पड़ जाता है पलंग के ऊपर और ना तो वो आँख भी नहीं हिलाना चाहता, बॉडी का कोई पार्ट नहीं हिलाएगा, इधर उधर देखेगा भी नहीं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, सीधे पलंग पे पड़ जाएगा, फीवर की स्टेज की बात बता रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल ऐसे बेड पे लेट जाएगा, ना इधर देखना ना उधर देखना, कुछ नहीं करना, ये स्टेज आ जाती है, तो एब्सोल्यूट रेस्ट से उसको आराम मिल रहा है इसलिए वो स्टेट है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ब्राइनिया की, आप देखो ड्राइनेस, ठीक है, एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मैम्ब्रेन, कि म्यूकस मैम्ब्रेन्स ड्राई हो गई, अब पूरी बॉडी की ड्राई हुई, आप देखो कि जीभ देखोगे तो ड्राई, लिप्स देखोगे तो ड्राई, ठीक है, स्टूल देख लो ड्राई एज इफ बर्नट, जैसे जला दिए किसी ने, इस तरीके की ड्राइनेस है स्टूल में भी, ठीक है। आप कफ देखोगे, कफ भी ड्राई है, ठीक है, जिसमें स्केंटी एक्सपेक्टोरेशन है, बहुत कम एक्सपेक्टोरेशन है। लेकिन आप देखो प्यास के बारे में लिखा हुआ है ग्रेट थर्स्ट, आप आर्सेनिक को देखो, आर्सेनिक में प्यास कैसी लगती है कि थोड़ा थोड़ा सा पानी पीता है मरीज, थोड़ी थोड़ी देर में, ड्रिंक्स एट शॉर्ट इंटरवल, ब्राइनिया का मरीज़ कैसा पानी पीता है, लंबे समय में जाके बहुत सारा पानी पी लेगा, ऐसा पानी ब्राइनिया का मरीज़ पीता है, ठीक है। ब्राइनिया के बारे में ये बात मैं बताई चुकी हूँ, एग्रवेशन एम्ब्लायरेशन। उसके बाद आप देखो कि हेडेक की बहुत अच्छी दवाई है, बट हेडेक में बहुत कम, क्योंकि हमारे दिमाग में सेंगुनेरिया, स्पाइजीलिया, साइलीशिया, ऐसी ऐसी दवाइयाँ भरी पड़ी हैं ना कि हम ब्राइनिया को नहीं याद करते। माइग्रेन की बहुत अच्छी दवाई है ब्राइनिया, ठीक है, लेकिन अगर किसी को पता हो तो, दैट्स अ कंडीशन। अब आप देखो कि हेडेक हो कब रहा है, कि जब मरीज़ झुक रहा है तो सर दर्द हो रहा है, वैन स्टूपिंग, कि जैसे जो फोरहेड से ही फटके सर जो दिमाग है वो बाहर आ जाएगा, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे भयंकर दर्द हो रहा है कि बस फटके बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो वैन स्टूपिंग, कि जब मरीज़ झुक रहा है तो सर दर्द हो रहा है, ठीक है। आयरनिंग, आयरनिंग का मतलब क्या होता है, झुक के कोई काम करना, आयरनिंग में करते क्या है हम,
प्रेस करते हैं, प्रेस करने में हम क्या करते हैं, झुकते हैं, ठीक है। तो झुक के कोई काम कर रहा है उसमें सर दर्द हो रहा है, खांसने में सर दर्द हो रहा है, ठीक है। सर दर्द कब हो रहा है? मॉर्निंग में हो रहा है, आफ्टर राइजिंग और व्हेन फर्स्ट ओपनिंग द आइज, कमेंसिंग इन मॉर्निंग, इंक्रीजिंग अंटिल इवनिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। हेडेक का बहुत अच्छा कैरेक्टर दे रखा है ब्राइनिया में। हमारे दिमाग में, मैं आपको वापस बता रही हूँ बात, कि सेंगुनेरिया कैन का भी ऐसा ही सर दर्द होता है, नेटरम्योर का भी ऐसा ही सर दर्द होता है। तो हम देखें कि जो सेंगुनेरिया है उसका भी इस तरीके का सर दर्द है, नेटरम्यूर, साइलिशिया, ये जो सोरिक टेंडेंसी जिसमें आ जाती है उनका सर दर्द। मैंने आपको बताया है कि सोरा में सर दर्द कैसा होता है, सोरा में सर दर्द सुबह हुआ, दिन तक बढ़ा, जैसे जैसे सूरज पीक पे जाता है, क्योंकि 12 बजे नून हो जाता है, जैसे जैसे सूरज पीक पे जाएगा वैसे वैसे इनका सर दर्द जो है वो बढ़ेगा। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आएगी कि सर दर्द जो है वो डिक्लाइन करने लग जाएगा, क्योंकि सूरज डिक्लाइन करने लग गया। तो आपको ब्राइनिया का भी याद रखना है कि सुबह सर दर्द हुआ, आँख खुली तब से सर दर्द हुआ, और फिर वो इवनिंग तक बढ़ गया, और फिर अपने आप जैसे जैसे डिक्लाइन होने लगा सूरज, वैसे वैसे सर दर्द भी गायब होने लग गया, कॉन्स्टिपेशन से सर दर्द हो रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। कारण क्या है? पेट खराब है। पेट खराब होने की वजह से जो सरदर्द है वो मरीज को हो रहा है। साथ में आप देखो कि पेशेंट कैन नॉट सिट अप फ्रॉम नौशिया एंड फेंटनेस। मरीज जो है वो नौशिया और फेंटनेस की वजह से बैठ नहीं पा रहा, ठीक है। पेशेंट कैन नॉट सिट अप, मतलब आप देखो सरदर्द हो रहा है किसी को, तो उसको क्या हो रहा है, नॉशिएटिंग फीलिंग आ रही है उस टाइम पे, तो मरीज़ नहीं बैठ पा रहा, ठीक है। डकारे लेने से आराम मिल रहा है मरीज़ को। कॉन्स्टिपेशन इनएक्टिव, नो इंक्लिनेशन, इज टू लार्ज, हार्ड, डार्क, ड्राई एज इफ बर्नड। ओके, कि जैसे एल्यूमिना में देखते हैं नो डिज़ायर, सो नो इन डिज़ायर इज ऑल्सो इन द ब्राइनिया। कॉन्स्टिपेशन में इस तरीके की कब्जी हो रही है मरीज़ को कि स्टूल जाने का मन ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब आप देखो कि डायरिया में क्या हो रहा है, कि जो गर्मियों के टाइम दस्त लग रहे हैं उसमें ब्राइनी अच्छा काम करती है, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, एनस सोर हो रही है मरीज़ को, जो ऐसा लगता है कि जलन मच रही है भयंकर, ठीक है, और जो एनस है उसमें सोरनेस आ गई, और अनडाइजेस्टेड फूड का डायरिया हो रहा है कि खाना पची नहीं रहा, ठीक है। डायरिया इज एग्रेवेटेड इन मॉर्निंग ऑन मूविंग इवन अ हैंड और फुट। जरा सा भी हाथ पैर हिलाया मरीज ने उसके डायरिया हो जाता है, ठीक है। नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ब्रेस्ट हैं, ठीक है, वो इतने हैवी हो जाते हैं, लाइक अ स्टोनी हार्डनेस, कि जो फीमेल है उसे ब्रेस्ट को हैंड से सपोर्ट करना पड़ता है, कि इस तरीके की हैवीनेस हो रही है, ठीक है। नोज ब्लीड व्हेन मेंसेस शुड अपियर, कि जब मेंसेस आएंगे तब नोज ब्लीडिंग होगी। ओके, कफ का मैं बता ही चुकी हूँ, कफ में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको पता होनी चाहिए कि खांसते समय मरीज जो है वो अपनी छाती को पकड़ लेता है, इस तरीके की खांसी आती है। और ये सिर्फ इसमें ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी है उसमें आपने देखा होगा, जैसे यूपिटोरियम पे मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि यूपिटोरियम में भी इसी तरीके का मरीज़ के खांसते समय छाती में दर्द होता है, कि वो छाती पकड़ लेता है। तो ये सिर्फ इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, कि बहुत सारे लोग ये देख कर फिर सीधे ही ब्राइनिया, कि स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट वाइल कफिंग, ठीक है, यूपिटोरियम में मिलता है। आप देखो कि जो नैट्रम ग्रुप है उसमें भी ये कंडीशन मिलती है, कि मरीज जो है वो चेस्ट होल्ड कर लेता है वाइल कफिंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ड्राइनेस है, तो कफ भी जो है वो ड्राई है, और साथ में गैगिंग एंड वॉमिटिंग, कि उल्टी करने का मन करता है मरीज़, खुद ही कोशिश करता है कि उल्टी कर लूँ, आराम मिल जाए, ठीक है। सर दर्द कैसा हो रहा है साथ में, जैसे कि फट जाएगा, जैसे मैंने सर दर्द को आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि फटके बाहर आ जाएगा, ऐसा खाने के बाद दिक्कत है, पीने से दिक्कत है, पानी पीने से भी, गर्म कमरे में जाने से दिक्कत है, और लंबी सांस लेने में, इंस्पायरेशन में दिक्कत है, क्योंकि चेस्ट एक्सपैंड करेगा तो उसमें पेन होगा। यहाँ पर आप देखोगे कि मूवमेंट हमेशा होता रहता है, कॉन्स्टेंट मोशन होता रहता है लेफ्ट आर्म और लेग का। ओके,
अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं मेंटल कंडीशन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको मेंटल कंडीशन नहीं बताई है ब्राइनिया की। सो मेंटल कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जब बुखार चढ़ा मानो, ठीक है, फीवर की बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है, बुखार चढ़ा उस समय क्या होता है, मरीज़ सिर्फ अपने काम की बात सोचता रहता है, काम काम काम। एक मतलब आप ये देखोगे कि जिसको बुखार हो रहा है उसको तो आराम करना चाहिए ना, ठीक है। बहुत से लोग, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें बुखार में सो जाता है मरीज़, बहुत सी ऐसी है जिसमें बात करने का मन नहीं करता, लेकिन ब्राइनिया ऐसी है जिसमें आप देखोगे कि मरीज़ को कॉन्स्टेंटली वो अपने काम के बारे में बात करे जा रहा है। बुखार हो रहा है लेकिन उसको ये है कि यार वो काम था वो काम था वो काम था, मतलब कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट हिज बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस के बारे में बातें करेगा, बिजनेस का मतलब ये है कि जो काम वो कर रहा है, मानो कोई स्टूडेंट है जिसको बुखार हुआ, ठीक है, तो वो पढ़ाई के बारे में सोचे जा रहा है, पढ़ाई की बातें करे जा रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कि उठूँ और मैं ये काम कर लूँ। ये कि बुखार होता है मेरे को तब एक ऐसी, मतलब तब ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में हजार चीज़ें चलती रहती है और ये मन करता है कि वो काम कर लूँ वो काम कर लूँ, अभी तो ये कोर्स बाकी रह गया, उस सब्जेक्ट को पढ़ना रह गया या फिर उस टॉपिक को रह गया। तो ये कॉन्स्टेंटली, अगर आप बिजनेस मैन हो तो बिजनेस की बातें करोगे, अगर आप टीचर हो तो आपका मन करेगा कि यार मैं तो आज 2 दिन से छुट्टी पे हूँ, मैं तो स्कूल ही नहीं गई, स्कूल ही नहीं गया, या फिर कॉलेज ही नहीं गई, कॉलेज ही नहीं गया पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली जो काम करता है उसके बारे में बातचीत, ठीक है। डिज़ायर्स थिंग इमिडिएटली विच कांट बी हेड और विच वैन ऑफर्ड आर रिफ्यूज, जल्दी से जल्दी चीज़ चाहिए, जब आप दोगे तो मना कर देगा। और साथ ही साथ एक कंडीशन, डिसलाइक टू बी कैरिड और टू बी रेज्ड। जैसे हम देखते हैं कैमोमिला में बच्चे को आराम मिलता है गोद में लेने से, सीना में नहीं चाहिए गोद, इरिटेबल है बहुत ज़्यादा, दोनों इरिटेबिलिटी में माहिर हैं, सीना कैमोमिला, बट कैमोमिला को गोद में लेते ही आराम मिल जाएगा लेकिन सीना को नहीं मिलेगा। वैसे ही जो ब्रायनिया है उसको गोद में मत लो, उसको पसंद नहीं है गोद में लेना, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी वो मैंने आपसे ब्रायनिया की डिस्कस करी है। इसका जो GIT है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रायनिया का, जो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो GIT से डेवलप हो रही हैं। बिलियस अटैक है इसमें, जो GIT आप देख लो, लिवर देख लो, इस पर इसका बहुत अच्छा एक्शन है इस दवाई का। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल आपको लगी होगी। और बी अल्फ़ाबेट की मेडिसिंस मैंने कंप्लीट कर दी है, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपसे सी अल्फ़ाबेट की मेडिसिन स्टार्ट करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नो होम्योपैथी।